सुप्रा गाइस सुप्रा बाबू भैया की थार खड़ी है और अंदर में बाइक भी होंगी। गाइस आज हम मिलने वाले इंडिया के टॉप राइडर, हाँ यूके 07 राइडर यानी कि बाबू भैया से। तो मैं एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत दिन से सोच रहे थे मिलने का, और देखते हैं आज पहुंचते हैं बाबू भैया से मिलेंगे कैसा क्या रहेगा, वो भी हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूं क्योंकि सवारी से जाऊंगा, बस का थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हाँ बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहा था। बहुत 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 गाइस, तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, बने रहना वीडियो के एंड तक। चलिए चलते हैं। हम लोग जो है घंटाघर पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे का सफ़र अभी तय करना बाकी है। यहाँ से काफ़ी दूर अभी बाकी है, भाई का घर जो बाबू भैया है उनका घर काफ़ी दूर है अभी, तो आगे का सफ़र हम तय करते हैं और वहीं पर मिलेंगे आपको। धीरे धीरे लोकेशन भी हम दिखाते चलेंगे उनके घर तक की, बने रहिए वीडियो में। आज आपको एड्रेस लीक करने वाले हैं हम बाबू भैया का। काफ़ी समय चलने के बाद हम लोग अब बाबू भैया के घर के काफ़ी करीब ही पहुंच चुके हैं और अब हम सीधे मिलते हैं बाबू भैया के घर पर, उनके गेट पर ही खटखटाते हुए मिलते हैं। अब बाकी हम लोग लोकेशन तो नहीं बता सकते क्योंकि उनका लीक हो जाना, तो हाँ सिक्योरिटी पर्पज़ से अभी नहीं बताएंगे, बाबू भैया से मिलने के बाद ही उनके मुँह से ही कहलवाएंगे। हम लोग आ चुके हैं बाबू भैया के घर पर और वो कार नज़र आ रही होगी थार, बाबू भैया की थार खड़ी है और अंदर में बाइक भी होंगी। चलो चलते हैं घर की तरफ, घर में चलते हैं। फाइनली गाइस हम भाई के घर पे आ चुके हैं और ये भाई की कार खड़ी है इधर इधर में। हाँ ये इस पर आपको लोगो दिख रहा होगा, ये मैं बाइक से दिखा देता हूँ। अब यूके 07 राइडर, ये कार में लोगो लगा हुआ है, ये थार है भाई की। और इसके बाद ये है घर, ये बाइक की बाइक वगैरह खड़ी हुई है, फिर ये कार उधर, वो ये घर है और ये अंकल पिताजी हैं बाइक के यानी कि हमारे अंकल चैनल वगैरह। तो देखो हमारे लिए देखो वीडियो में तो यही कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि कई दिन भूखा रहना पड़ता है, कई दिन सोना नहीं पड़ता है, तब जा करके मेहनत कर पाती है। और अनुराग भी यूके 07 ने भी तुम्हारी ही तरह काम शुरू किया है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ वो बात ठीक है आपकी, और मेहनत तो हम फिलहाल कर ही रहे हैं। उनको बोल दो कि थोड़ा बहुत कर दे। देखो भैया मेरा ना तो यूट्यूब चैनल है ना कुछ है, लेकिन अगर हाँ लेकिन अगर मुझे मानते हैं तो कोई बात नहीं। भैया का जो यूट्यूब चैनल है किस नाम से है? प्रवीण एक्स ब्लॉग, प्रवीण एक्स ब्लॉग, एक्स ब्लॉग को क्या करते हैं, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। थैंक यू अंकल। अंकल तो हाँ, जो भैया हैं वो कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं है बेटा, देखो अगर वो रियल सिचुएशन बता देगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ये तो कुछ पता नहीं है। सुप्रा जी लेके आए वो, हाँ तो वही तो रहा है, अब वो तो ग्राउंड क्लियरेंस उसका बहुत पैसा है ना, तो हाँ अभी कुछ पता नहीं है कि कब आते हैं क्या आते हैं। चलो तो गाइस यहाँ पर फिलहाल भाई की बाइक वगैरह ही देखने को मिली और अंकल जी का टाइम भी हो रहा है तो मैं भी निकलने वाला हूँ। हाँ अंकल जी का टाइम हो रहा है तो चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठ बैठ बैठ, एक सेकंड। मैं भी इसी तरह निराश हो गया था जब अंकल से बातचीत हुई थी, और दिन में हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे तो नहीं रुके पर पहुँच ही गए थे हम लोग स्टेशन पे, और स्टेशन पे रुके ही थे कि हमें पता लगा कि बाबू भैया घर पे आ चुके हैं। हाँ तो हम भी वापस आ गए और सुप्रा गाइस सुप्रा। गाइस रात हो चुकी है और बाबू भैया की सुप्रा देख ही रहे होंगे आप, घर पे आ रही है। तेरी
कितना इंतज़ार किया, फाइनली शायद हम लोग मिल पाएंगे। दोपहर में भी आया था मैं भाई, मैं घर पे नहीं रहूंगा। हाँ, अभी बताया था अंकल जी ने, मैं स्टेशन पे बैठा रहा, लेकिन क्योंकि आपने कहा था ना कि मैं आऊंगा जरूर, इसलिए मैं वहीं बैठा रहा। शुक्रिया। मैं स्टेशन पे ही था, टिकट भी कटा लिया था हम लोगों ने, और 15 मिनट लेट बस मेरी दिन में आया था। मैंने अभी ब्लॉग देखा था ना, मैं तुरंत भागते हुए आया फिर। फुल पावर भाई, अभी बस फोटो कराते, मेरे को अंदर पार्क करना है। हां कर दो भाई। हट्टा तो नहीं है बाबू भैया का, गाइस घर पे ले जाऊं। नाइस बाबू भैया का, फाइनली मिल पाएंगे गाइस, मिल ही लिए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा भाई के साथ थोड़ा सा बात हुई तो गाइस आज बाबू भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, उनकी फैमिली से भी मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट लेकर मैं सुबह ही आया था, और फाइनली मुझे अब भी एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे लग रहा था कि यार कुछ देर तो और रुकूं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने कुछ क्लिप्स नहीं बनाई हैं। हालाँकि हम लोग काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई और फ़ोटो क्लिक भी काफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन यार वो क्या था कि पानी वगैरह बरस रहा था, इस वजह से मेरे मोबाइल में क्लिक वगैरह नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैंने फ़ोटो क्लिक भी थोड़े गड़बड़ हो गए, और वीडियो क्लिप भी उतनी अच्छी नहीं बना पाया, बट कोशिश की थी गाइस हमने। गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ वो हमने लोगों ने बहुत ही मज़े किए वहाँ पे भी, और सुपरा वहाँ पे चढ़ भी नहीं रही थी भाई की, वो वाली क्लिप तो मैं यहाँ पे नहीं बना पाया। भाई ने मना भी कर दिया था, क्योंकि घर पे थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से मना किया था, तो सॉरी गाइस थोड़ा सा क्लिपें नहीं दिखा पाया उसके लिए। और ऐसी एक्साइटेड वीडियो, ऐसी मज़ेदार वीडियोस के साथ हम लाते रहेंगे। अगली वीडियो के बाद ना, 3-4 वीडियो के बाद ऐसा धांसू लोग आने वाला है ना, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को देखते रहिए, और आपको पीछे दिख रहे होंगे हमारे महादेव। गॉड की वजह से, ईश्वर की वजह से ही ये सपना पूरा हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी आज हम लोग तिरंगा अपने देश का, जान है अपनी, लगा दो जयकारा, जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।